30 दिसंबर को हमारे घर पे से संजय चौधरी और प्रभात चौधरी हमारे भाई को शमशेर को यहाँ से बुला के ले गया था, और ले जाने के बाद थोड़ा देर तक जब वापस नहीं आया तो हम लोग खोजबीन स्टार्ट किए, उसके घर तक भी गए तो वो बोला हाँ हम पकड़ के लाए। उसके बाद हम लोग को डराया धमकाया तो हम लोग वहाँ से किसी भी तरह भागे, आके यहाँ बयान लिखवाए, थाने में FIR किए, और ये लोग अपने स्तर से प्रशासन ढूंढ रही है। और 6 दिन बाद डेड बॉडी मिला हमारे भाई का यहाँ से 132 किलोमीटर दूर। 30 दिसंबर को कांड हुआ। 30 दिसंबर को। 30 दिसंबर को कब आपके भाई को ले गया? मॉर्निंग 11 बजे हम लोग बैठ के घर के बाहर गेट पे चाय भी पी रहे थे और शमशेर बाबू पानी पटा रहा था दीवार पे, और हमारे घर से 10 कदम आगे रोड है वहाँ पे आके हॉर्न बजाया, और जब ये नहीं सुना तो उस पे से प्रभात चौधरी उतर के आया, इसको बुला के ले गया, बोला बाबू इधर आओ एक बात पूछना है तुमसे, और हैप्पी बाबू पाइप छोड़ के चला गया आगे उससे बात करने। जब वापस नहीं आया कुछ देर तक हम लोग ढूंढे इधर उधर, उसके बाद उसके घर गए, प्रभात चौधरी के घर गए, वहाँ पर जाने के बाद वो बोला हम लाए हैं पकड़ के, और उसके बाद 10-15 लड़का को बुला लिया, पिस्टल उस्टल लेकर हम लोग को घेर लिया, हम लोग को डराने धमकाने लगा, हम लोग वहाँ से भागे, भागने के बाद गए थाने में FIR लिखवाए। प्रशासन अपने ढंग से खोजबीन कर रही थी लेकिन उस ढंग से अच्छा से जिस तरह से ढूंढना, जैसे कि 30 तारीख को घटना हुई, 30 तारीख को जो प्रभात चौधरी का नाम आप बता रहे हैं, प्रभात चौधरी अकेले वहाँ पर आया था? प्रभात चौधरी संजय चौधरी दोनों आया था। किस चीज से आया था? मोटरसाइकिल से आया था और वहाँ पे मोटरसाइकिल पे बैठा के ले गया, उसके साथ और कोई नहीं था? नहीं और कोई नहीं था। तो उसके बाद आप लोग पहले उसके घर पे गए प्रभात चौधरी? हाँ, पहले उसके घर पे। आप लोग पहले से जानते थे प्रभात चौधरी और संजय चौधरी को? जानते थे कि उसका दुकान है, गिट्टी वालों का उसका दुकान है, इसीलिए हम लोग जानते थे। हम लोग ये नहीं जानते थे कि वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है या कुछ है, ये जो दारू मतलब कि, तो इसका मतलब जो आप लोग पहले से बालू गिट्टी उनसे ले रहे होंगे, ऐसा भी कुछ होगा? हाँ, बस इसी तरह से माध्यम से जानते हैं, और कोई वैसा नहीं, विशेष कुछ हम नहीं जानते। उसके बाद आप लोग को पता चला गया कि वो ले क्यों गया, उसका कुछ पता नहीं चला आपको? उसका नहीं पता चला। आप गए होंगे उसके घर पे, आप लोग गए होंगे तो? गए तो वो हम लोग को डराया धमकाया और बोला हम पकड़ के लाए हैं, बहुत सारा लड़का को बुला लिया, सब पिस्टल उस्टल लेके आके हम लोग को घेर लिया, तो हम लोग किसी भी तरह वहाँ से निकलने के बाद हम लोग को लगा कि मामला थोड़ा है बढ़ा हुआ, तो हम लोग वहाँ से गए थाने में FIR लिखवाए। हम लोग सोचे कि हम लोग से ये हैंडल नहीं हो पाएगा, प्रशासन का मदद लेते हैं, उनसे कुछ अगर हो पाए तो हमारा भाई बच सकता है, लेकिन तो मतलब कि आप प्रशासन को जब बोलने के लिए गए तो आप तो घर से फरार था, और ये लोग अपने स्तर से इधर उधर ही ढूंढ रहे थे पुलिस प्रशासन, और गई होंगी कहीं रात में छापा उपा मारने, वो हम नहीं कह सकते हैं उसके बारे में, लेकिन सुनने में आया कि लोग गए थे छापा मारने, लेकिन वो लोग अरेस्ट नहीं हो पाया, मिल नहीं पाया, दोनों में से दोनों कोई वहाँ पे दोनों नहीं में था। से दोनों नहीं तो जब पुलिस प्रशासन मान लीजिए नहीं, तो फिर ये 6 दिन के बाद लाश मिला, 6 दिन बाद डेड बॉडी मिली, तो ये यहाँ से 132 किलोमीटर। तो ये खबर कैसे आप लोग को पता चला कि वहाँ पे लाश है? ये खबर प्रशासन के माध्यम से ही मिला, क्योंकि उधर जो है सो प्रभात चौधरी और संजय चौधरी का रिलेशन है, जहाँ डेड बॉडी मिला वहाँ पे रिलेशन है, उसको अच्छे से पता है उस एरिया के बारे में, इसीलिए वो यहाँ से मर्डर करके हमारे भाई का वहाँ ले जा कर फेंका, डेड बॉडी नहीं मिलेगा। और क्या कहते, खुटाना थाना को 31 तारीख को ही डेड बॉडी मिल चुका था, और वो मधुबनी सदर अस्पताल में ले जाके पोस्टमार्टम करवा के वहाँ रखी हुई थी पहचान के लिए। अच्छा अच्छा 31 तारीख को, एक दिन बाद ही, मतलब कि हाँ, एक दिन बाद डेड बॉडी लास्ट जो है, एक दिन बाद ही डेड बॉडी मिली थी ना, लेकिन आप लोग को खबर 6 दिन बाद हुआ, 4 तारीख को 4 जनवरी को 3 बजे करीब मिला, 3 बजे खबर मिला। तो उसके बाद फिर वहाँ से लाश आई, उसके बाद जो पुलिस प्रशासन वहाँ डेड बॉडी गए पहचान के लिए, तो डेड बॉडी तो बहुत गला हुआ था, सही से पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन हमारे भाई का पाँव का एक्सीडेंट हुआ था तो पाँव देख के हम लोग पहचानने के बाद हम लोग बोले कि ले जाएंगे, लेकिन प्रशासन का कहना था कि इसको यही दफना दीजिए, तो हालत में नहीं है ले जाने लायक, लेकिन हम लोग बोले नहीं, जो हालत में उसी हालत में हम लोग घर ले जाएंगे, घर ले जाना ही है, तो हम लोग वहाँ से किसी भी तरह लाए। उसके बाद अभी फिलहाल में तो, क्योंकि कुछ दिन पहले SP साहब का भी एक का गिरफ्तारी हुआ है इसमें, हाँ, SP साहब का स्टेटमेंट आया, हाँ, एक गिरफ्तारी हुई है।
तो उस गिरफ्तारी से आप लोगों को क्या लगता है कि प्रशासन काम कर रही है इस पे? जितना जल्दी करना चाहिए था उतना जल्दी किए नहीं, लेकिन लेट से किए हैं, क्योंकि जब हमारे भाई का वो मर्डर किया तो 6 दिन तक वो गांव में ही रहा, और उसके बाद जब डेड बॉडी मिल गया तब वो भागा। वो तो ये सोच के गांव में था कि डेड बॉडी तो अब मिलेगा नहीं, तो अब बात आगे बढ़ेगा नहीं, लेकिन डेड बॉडी मिल गया तो जब आप लोग बोल रहे हैं कि वो गांव में था तो पुलिस प्रशासन को नहीं पता था कि वो गांव में है, या फिर आप लोग नहीं इन्फॉर्म? पुलिस प्रशासन जाती थी पकड़ने, भाग जाता रहा होगा। अच्छा, ये बात रही। मतलब वो आप लोग FIR में किनका किनका नाम लिखा? प्रभात चौधरी, संजय चौधरी, यही दोनों आया था यहाँ से, यही दोनों ले गया और यही दोनों मिलकर हत्या किया। तीसरा जो है सो वो उसमें शामिल था? तीसरा वो लोग सहयोग किया होगा, हम वहाँ पर तो हम नहीं थे, हम लोग तो देखे नहीं कौन था वहाँ पर, नहीं था हम लोग तो देखे नहीं, लेकिन ये कह सकते हैं कि डेड बॉडी को यहाँ से 132 किलोमीटर दूर फेंकने में 2 आदमी का तो हाथ नहीं है। हाँ, सहयोग किया होगा और आदमी सहयोग किया होगा, ये हम कह सकते हैं। ये पुलिस प्रशासन का काम है उसको छानबीन करना, पता लगाना कि कौन कौन था, क्या था, नहीं था, कैसे फेंका। तो पुलिस के